ओम शांति। 18 अगस्त 2024। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 20 फरवरी 2001। शिव जयंती, व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य सालिग्रामों से मिलने आए हैं। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हो। बच्चे कहते हैं, बाप की जयंती मनाने आए हैं, और बाप कहते हैं, बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। आप सब भी अपनी जयंती, अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो, क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है, इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं और बाप हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं। बहुत खुशी है ना? तो हाथ रुकते नहीं है, चल पड़ते हैं। दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वह मनाते हैं एक दिन का जागरण व एक दिन का व्रत। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया है। जागरण वह भी करते, लेकिन आपने एक संगमयुग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। जाग गए हैं ना? अभी फिर सोएंगे तो नहीं ना? या थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे? अच्छा, सोए नहीं तो थोड़ा झुटका खा लेंगे। यह जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं, लेकिन औरों को भी जगाते हैं। ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। यह अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना? जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया, याद है ना? बच्चे कहते हैं, याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, यह जीवन बन गई। एक मास के लिए, दो मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई, नेचुरल बन गई और नेचर बन गई।
पवित्रता की नेचर बन गई है ना? नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है? बन गई है ना? सिर्फ कांध हिलाओ बस, बन गई। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व सालिग्राम जयंती मना ली। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप साथ और आपके साथ, वह भी कितने खुश हो रहे हैं। आज के दिन विशेष भगत लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो। उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला? इसका भी रहस्य आप जानते हो, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन। यह मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तब ही ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा भी क्या करता है? मैं। तो यह देह अभिमान का मैंपन की निशानी है, और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। सबसे पहला मैंपन है मैं शरीर हूँ, फलाना हूँ। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है, और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन है। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन ऊपर से नीचे ले आता। विशेषता हर एक में है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता न हो, ये नहीं। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्म देन है और परमात्म की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमान वश मैपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूँ, यह रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैपन है। तो समर्पण तो हुए ही हैं, लेकिन आगे क्या देखना है? टीचर्स सभी अपने को क्या कहती हैं? समर्पण है ना? टीचर्स सभी समर्पण हैं। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण हैं, हाँ या ना? पांडव समर्पण हैं। बहुत अच्छा, मुबारक हो। आगे क्या करना है? समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अभी आगे ये चेक करना है, बताए क्या? आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है? तो एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। सर्व में विशेष अंडरलाइन है अपने मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो, पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और निगेटिव का प्रभाव ज्यादा है।
इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है। समझ से महसूसता होती है, हाँ ये रॉन्ग है, यह ठीक है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता, दूसरा है दिल से महसूसता। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। और संस्कार पुराने 63 जन्मों के होने के कारण नेचुरल हो गए हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, यह गलती नहीं है लेकिन मेरी नेचर है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं। लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। जिसको बाप दादा कहते हैं, कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होगी है, कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना। हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, यह अवश्य बदलेंगे, ऐसे नहीं कि यह तो बदलना ही नहीं है। उसके प्रति जज बनके जजमेंट नहीं दो, यह बदलना ही नहीं है। जब चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुणी बनानी ही है, बनेंगे नहीं बनेंगे क्वेश्चन नहीं, बनाना ही है। ही शब्द को अंडरलाइन किया है, तो क्या प्रकृति बदल सकती है, आत्मा नहीं बदल सकती? आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, तो प्रकृति बदले पुरुष नहीं बदले क्यों? तो वर्तमान समय यह मन बुद्धि संस्कार, स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है, तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्व को सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। इतना स्व परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। एक यह सेवा और दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखा है कि चारों ओर देश में, विदेश में, गांव में सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की है, बाप के मोहब्बत से की है, उसकी तो बाप दादा बहुत 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 मुबारक देते हैं। आगे क्या करना है? बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि है और भी तीव्र गति की वृद्धि होनी है, लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है, वह बहुत अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छे निमित्त बनी हैं। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं। एक कदम सहयोग का है, एक पांव तो बढ़ाया है,
लेकिन दूसरा पांव है सहज योगी कर्मयोगी। कर्मयोगी या सहज योगी भी कुछ कुछ बन गए हैं, यह भी स्टेज दूसरी है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पाठ बजाए। माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। आप माइट हो, वह माइक। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया, ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। है बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं, सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वह चाहते हैं क्या करे, कैसे करे, उन्हों को माइट बन विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट के लाइन में आ जाए। ऐसे हैं, प्रत्यक्ष होने हैं, सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन, वायुमंडल की करंट और विधि जो निमित्त बने कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। ठीक है ना? क्या करना है वह सुन लिया ना? छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो। चलो बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 फूलों का 10 फूलों का गुलदस्ता तो लाओ और हर एक तरफ बाप दादा की नजरों में है। पांडव सुना? बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं, तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भारत लाएगा? कौन लाएगा कि दोनों साथ में लाएंगे? एक तरफ से फॉरेन का, एक तरफ भारत का, दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आएंगे। जैसे यह सरमनी मनाते हैं तो वह भी सरमनी मनाएंगे। दोनों गुलदस्तों की, भारत की भी, विदेश की भी। ठीक है? विदेश वाले क्या समझते हैं? ठीक है तो दूसरी सीजन में लाएंगे? लाना है? भारत वाले लाएंगे लौकिक और अलौकिक ऑक्यूपेशन के बैलेंस वाले। आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी अलौकिक भी, उन्हों का प्रभाव ज्यादा होगा। आप लोगों से तो दृष्टि लेने आएंगे। अच्छा, क्या सोच रही है जयंती? नाम सोच रही है क्या? यह निर्मला मोहिनी नाम सोच रही है ना? यहाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम है, सुभानअल्लाह है। यह देखो, कुछ कुछ तो बैठे भी है। यह ब्रायन सामने बैठा है ना, ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई से गुलदस्ता तैयार करना है ना? बहुत अच्छे अच्छे क्या नाम देते हो। NCO, अच्छा, फॉरेन के NCO वाले हाथ उठाओ। NCO बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धरनी तैयार है, बीज भी पड़ा हुआ है, सिर्फ पालना का पानी देना है। अभी बीज को पालना का पानी चाहिए। अच्छा,
टीचर्स भी बहुत आई हैं, टीचर्स को भी मुबारक है। आपने ही तो सेवा की है ना, तो सेवा की मुबारक। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया है, हलचल गुजरात में शुरू हुई है। ज्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है। डरते तो नहीं हो ना? धरनी तो हिलती है, लेकिन दिल तो नहीं हिलती है ना? जहां धरनी हिली है, नुकसान हुआ है, वहां से जो आए हैं वह उठो, अहमदाबाद वाले भी उठो। अच्छा, दिल हिली कि धरनी हिली, क्या हुआ? दिल में थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ, नहीं हुआ? बहादुर हैं, बाप दादा ने देखा कि बच्चों ने अपने हिम्मत और बाप की छत्र छाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा, कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए, कोई थोड़ा कोई ज्यादा। नंबर वार तो सभी होता ही है हर जगह, लेकिन पास हैं, मुबारक हैं। सबसे ज्यादा नाजुक स्थान से कौन आए हैं? एक भुज की है और एक बचाऊ की बहन आई है। अच्छा, भुज में आप तो हजार भुजाओं वालों के साथ थे। अच्छा, पेपर में पास, बहुत अच्छा किया। आगे भी हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं, रोज होता है, होने दो। देखो, परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेगी ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वह अपना काम तो करेगी ना। लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में यह भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाले, और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो, क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन के परेशानी टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं ना, यह बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि चाहे विदेश हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यार है। हर एक अपना अपना कार्य तो कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं हैं, बुझाते हैं। तो आप सब भी मन के परेशानी की आग बुझाने वाले हो। अच्छा, तो गुजरात मजबूत है ना? हजार भुजाओं की छत्र छाया में हो, कहां भी आए, अभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो गए हो ना? कहां भी आए, देखो, प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता है। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वह स्वतंत्र है। लेकिन सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को, मन की लाइन को क्लियर रखना है,
लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्होंकी वायरलेस है, आपकी वॉइसलेस बुद्धि है। क्या करना है, क्या होना है, यह निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। ऐसे नहीं सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पांव वहां ही चलेंगे जहां सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन एश्लम घर आपका है। डरना नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है। डरना नहीं, खेल है, परिवर्तन होता है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। रहम दिल बन, सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे, रहम करो। समझा? अच्छा, अभी एक सेकंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो? स्टॉप, बस स्टॉप हो जाए। अभी एक सेकंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु बिंदु में समा जाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्व सेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज के शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो। और दुआओं के साथ याद प्यार और नमस्ते। वरदान, बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भाव। बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं और दिल में परमात्म स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो। स्लोगन, देह, देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं।